Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you all the challenges of adult education, the present situation of adult education, and what are the goals of adult education in accordance to NEP 2020. Earlier, I have already discussed with you the development of adult education in India, and this is the second and last lecture in this series. Okay? सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, चूंकि हम एडल्ट एजुकेशन के बारे में बात कर चुके हैं, प्रौढ़ शिक्षा की भूमिका और ये सब, हमने कैसे उसका उद्भव हुआ, कैसे विकास हुआ, क्या कौन कौन से चरणों से गुजरी है प्रौढ़ शिक्षा, ये हम बात कर चुके हैं. इसलिए हम डायरेक्ट चैलेंजेस पे आते हैं कि कौन कौन सी चुनौतियां हैं. ऑब्वियसली एडल्ट एजुकेशन बहुत चैलेंजिंग कंसेप्ट है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं. जो प्रॉब्लम्स हैं वही चैलेंज क्रिएट करते हैं. तो प्रॉब्लम्स आती है करिकुलम से रिलेटेड, पाठ्यक्रम क्या हो. Problems relating to curriculum. A core curriculum of adult education must have a component of spoken language. सबसे पहले बात होती है कि किस कैसे पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए, तो बोलचाल की भाषा होनी चाहिए. तभी वो वयस्क जो मतलब साक्षर नहीं है और या बीच में उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है या जो भी है उनकी पढ़ाई का स्तर, तो हमको स्पोकन लैंग्वेज में बात करनी होगी. इट इज़ नेसेसरी फॉर बोथ प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कल्चर शेयरिंग एंड फॉर्म्स अ नेसेसरी कंडीशन फॉर establishing rapport with adult learners. ये किसके लिए जरूरी है? इसलिए भी कि वो प्रॉब्लम हमसे शेयर कर सकें. जब उनसे आप उनकी बातचीत में उनकी भाषा में बात करेंगे तभी संभव है. कल्चर का शेयरिंग हो सके, संस्कृति साहित्य का आदान प्रदान हो, और ये एक नेसेसरी कंडीशन बनाता है इसके लिए कि आप एडल्ट लर्नर से रैपो एस्टैब्लिश कर सकें. वो किसी और भाषा में बात करें, आप किसी और भाषा में बात करें, तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे. द करिकुलम शुड अलाइन विद द इवॉल्विंग नीड्स ऑफ लर्नर्स, equipping them with practical skills and knowledge that are applicable in the job market. और क्या होना चाहिए? पाठ्यक्रम align होना चाहिए, मतलब संगत होना चाहिए. किसके संगत होना चाहिए? कौन सी learners की needs है, वो कौन सी आवश्यकताएं हैं जिसके लिए वो adult education के क्षेत्र में आए हैं, पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं अपनी, और उनको practical skills हमको देनी है. हमें बहुत ज़्यादा theoretical knowledge नहीं देनी है उनको, हमको equip करना है, उनको सुसाध्य करना है उनके प्रायोगिक कौशलों से और ज्ञान से, और सॉरी हाँ, कैसा ज्ञान जो कि जॉब मार्केट में एप्लीकेबल हो, मतलब कि उनको कुछ वो एम्प्लॉयबिलिटी के क्षेत्र में प्रवेश कर सकें इस एडल्ट एजुकेशन के कोर्स को पढ़ने के बाद. तो ये करिकुलम में दिक्कतें हैं कि वो स्पोकन लैंग्वेज में हो, उसमें ऐसे कॉम्पोनेंट्स हों जो कि लर्नर की नीड को फुलफिल कर रहे हों, उसमें प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज की बात हो, और ऐसा प्रैक्टिकल स्किल और नॉलेज जो उनको जॉब मार्केट में हेल्प करेगा. फिर टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसा हो, ये भी एक चैलेंज क्रिएट करता है. द टीचिंग मटेरियल सप्लाइड इन एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स आर इनएडिक्वेट. कह रहे हैं कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्रों पर जो ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है वो भी अपर्याप्त होता है, और फिर इररेलेवेंट, उसकी कोई उपादेयता नहीं होती, सार्थकता नहीं होती, और जनरली उसकी क्वालिटी भी पुअर होती है. द न्यू अप्रोच टुवर्ड्स टीचिंग लर्निंग स्किल्स नीड्स टू बी टू प्रॉन्ग्ड. वो कह रहे हैं कि हमको दो मुखी दृष्टि से हमको ये काम करना होगा. कैसे? पहले तो आप क्या करिए, टू मेक द कंटेंट एज फंक्शनल एज पॉसिबल, द लैंग्वेज शुड बी एज लोकलाइज एज पॉसिबल. पहली बात तो हम कंटेंट ऐसा हो जो फंक्शनल हो, उनके काम का हो, उससे उनके कार्य संपादित हो सकें, भाषा जो हो वो लोकलाइज हो, एंड टू इंट्रोड्यूस टेक्नोपेडागॉजिक इनपुट्स. और चूंकि हम अब डिजिटल युग के वासी हैं तो हमको ज़रूर से ज़रूर उसमें तकनीकी का भी इनपुट डालना होगा, पेडागॉजी को किसी ना किसी टेक्निक की मदद से पढ़ाना होगा उनको. द डेवलपमेंट ऑफ रेलिवेंट एंड अट्रैक्टिव सॉफ्टवेयर be used in the educational field to improve the efficiency of teaching and learning. तो जो आपका adult education का क्षेत्र है उसकी teaching learning को efficient बनाने के लिए हमको जरूर कुछ ना कुछ attractive और relevant software का विकास करना चाहिए और use करना चाहिए. तो curriculum से संबंधित दिक्कत है कि वो ठीक नहीं है, मतलब ठीक बनाने के लिए आपको उसको क्या क्या करना है. फिर उसी तरह से teaching learning material भी inadequate है, relevant irrelevant है, poor है. फिर training of functionaries जो उसमें कार्यरत हैं, जो लोग प्रौढ़ शिक्षा में लगे हुए हैं उनके प्रशिक्षण में भी कमी है. देयर इज स्कोप फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग ऑफ द फंक्शनरीज ऑफ एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम्स. ये एक विषय क्षेत्र है, एक स्कोप बचा रहता है कि हमको उनकी जो लोग इसमें लगे हुए हैं उनकी ट्रेनिंग की क्वालिटी को और इम्प्रूव किया जा सकता है. द फंक्शनरीज आर नॉट इन ए पोजिशन टू डू देयर जॉब परफेक्टली इफेक्टिवली एंड प्रोफिशिएंटली ड्यू टू ए लैक ऑफ प्रॉपर एंड टाइमली ट्रेनिंग इन एडल्ट एजुकेशन. जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो अपने काम को अच्छे से नहीं
नहीं कर पाते हैं, इफेक्टिवली नहीं कर पाते हैं, प्रोफिशिएंटली अच्छे से नहीं कर सकते हैं, कर पाते हैं, प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो ये एडल्ट एजुकेशन के लिए जो फंक्शनलिटीज हैं, इनकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर और टाइमली नहीं होती है। फिर लर्नर मोटिवेशन, जो सीखने वाला है वो कितना अभिप्रेत है, उसकी अभिप्रेरणा में कमी होगी तो आपके सारे जो प्रयास हैं वो एक तरफा साबित होंगे। लर्नर मोटिवेशन इज द बेसिस फॉर इफेक्टिव लर्निंग। हम लोग जानते हैं कि मोटिवेशन जो है वो मोस्ट प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है लर्निंग में, तो ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। बट इट हैज़ बीन द मेन प्रॉब्लम इन द पास्ट एज वेल एज इन द प्रेजेंट एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स। आपने जिसके लिए ये सब मतलब ताना बाना बुना है, आपने TLM बनाया, उसमें टेक्नोपेडागॉजी इनपुट भी डाल दिया, आपने फंक्शनलिटीज को भी ट्रेन कर दिया, लेकिन जो सीखने वाला है यानी कि जो एडल्ट है, अगर वही मोटिवेटेड नहीं है तो आपका सारा प्रयास विफल होगा। रिसर्च स्टडीज हैव शोन दैट मोटिवेशन कैन बी एनहांस्ड इफ देयर इज अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स लिटरेसी इन द प्रोग्राम इज ऑफ डायरेक्ट इंटरेस्ट टू लर्नर्स। हमको ये अनुसंधानों के अध्ययन से पता चलता है कि हम लर्नर का मोटिवेशन बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? कि अगर हम उनको वो वातावरण प्रोवाइड करें जो कि कंड्यूसिव हो, उनके लिए सुविधाजनक हो, सुगम हो, और उनको लिटरेट बनाने में सक्षम हो, और उनके डायरेक्ट इंटरेस्ट का, उनकी रुचि का विषय अगर पढ़ाएंगे तो जरूर वो मोटिवेट होंगे। द मोटिवेशन ऑफ द लर्नर्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंप्रूविंग द लर्निंग एनवायरनमेंट, क्रिएटिंग कॉन्फिडेंस अमंग देम, डेवलपिंग सूटेबल लर्निंग मटीरियल, अडैप्टिंग न्यू अप्रोचेस एंड इनोवेटिव मेथड्स एंड अरेंजिंग कंटिन्यूइंग एजुकेशन फैसिलिटीज। वो कह रहे हैं कि जो लर्नर है, जो एडल्ट है, जो एडल्ट एजुकेशन के आपके क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ है, उसके मोटिवेशन को आप बढ़ा सकते हैं अगर आप लर्निंग एनवायरनमेंट को बेहतर कर दें, उनके अंदर कॉन्फिडेंस जागृत करें, अच्छा उचित लर्निंग मटेरियल विकसित करके उनको दें, नई नई और इनोवेटिव अप्रोचेस अडॉप्ट करें उनको पढ़ाने के लिए, उनको एंगेज रखने के लिए, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन की उनको फैसिलिटीज की अरेंजमेंट करें, तो निश्चित रूप से उनका मोटिवेशन बढ़ेगा। तो लर्नर का मोटिवेशन ना होना एक चैलेंज है, और ये सजेशन सुझाए गए हैं कि ऐसा ऐसा अगर आप कर लें तो लर्नर ज़्यादा मोटिवेटेड हो सकता है। फिर एडल्ट एजुकेशन के इसके अलावा और चैलेंजेस हैं, जैसे इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग। आपको पता है कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक, और वो भी जब एडल्ट हो जाता है तो उसकी पर्सनालिटी पूरी मेकअप हो चुकी है, वो पूरा उसका माइंडसेट, उसका एटीट्यूड, एप्टीट्यूड सब एकदम सेट है। तो एक वन साइज डज नॉट फिट ऑल, जो कहते हैं ना कि एक तरीके से आप चलेंगे तो सबको केटर नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि हर व्यक्ति बिल्कुल विशिष्ट है, तो कैसे सबकी आवश्यकताओं को केटर किया जाए। फिर प्रॉब्लम ऑफ इक्विपमेंट, हमारे पास साधनों की समस्या है। प्रॉब्लम ऑफ अटेंडेंस, एक दिन जाएंगे यहाँ कोई अटेंडेंस तो है नहीं, ना कोई प्रॉपर एग्जामिनेशन होना है कि अटेंडेंस कंपलसरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लस उनकी और भी ज़रूरतें हैं, और एडल्ट है, उसका अपना परिवार है, उसका अपना कोई छोटा मोटा व्यवसाय होगा, तो वो रोज़ रोज़ आपकी क्लास अटेंड करने या जो भी आपने सेटअप बनाया उसमें आ नहीं सकता, तो अटेंडेंस की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, हम उनको प्रॉपर व्यावसायिक प्रशिक्षण नहीं दे पाते हैं, ये भी दिक्कत है। और नॉन कोऑपरेशन ऑफ एडल्ट, इसमें लर्नर मोटिवेशन वाला ये एंगल है कि जो एडल्ट है वो हमको कोऑपरेट नहीं करता है बहुत, ठीक है। अब देखते हैं कि क्या प्रेजेंट सिचुएशन क्या है भारतवर्ष में एडल्ट एजुकेशन की। तो जो साक्षर भारत के नाम से आप इसको जानेंगे, हम 2011 की जो जनगणना हुई उसने कहा कि अभी भी भारतवर्ष में 24 करोड़ वयस्क जो हैं वो अशिक्षित हैं, असाक्षर। असाक्षर तो कब से चल रहा है, UEE चल रहा है, और आपका 2009 में तो RTE भी आ गया, सब आ गया, तब भी 24 करोड़ वयस्क असाक्षर है। तो क्या किया गया कि जो नेशनल लिटरेसी मिशन था जो 1988 में शुरू हुआ था, आप इस पर बात कर चुके हैं, वो इट बिकेम ऑपरेशनल, जो साक्षर भारत अभियान चला दिया गया आपका 1 अक्टूबर 2009 से। एंड इट इज़ दी मॉडिफाइड फॉर्म और द वेरियंट ऑफ द नेशनल लिटरेसी मिशन। आप कह सकते हैं कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ही एक वेरियंट है या एक परिष्कृत फॉर्म है, क्योंकि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन मान के चला था कि आप सबको साक्षर कर लेंगे, पर आप नहीं कर पाए। 2011 की जनगणना में ये निकल कर आ रहा है, मतलब जनगणना के आंकड़े बाद में आए, 2010 तक तो काउंटिंग और ये सब होने लगता है ना, तो आपने इसको साक्षर भारत का नाम दे दिया नेशनल लिटरेसी मिशन को। इट वॉज लॉन्च्ड इन September 2009 बाई प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह फॉर फीमेल लिटरेसी और इंटरनेशनल लिटरेसी डे September 8, 2009 इन न्यू दिल्ली, मतलब नई दिल्ली में 8 सितंबर के दिन, जो कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे होता है। फीमेल लिटरेसी, ये भी देखा गया कि मेल और फीमेल लिटरेसी में बहुत गैप है, तो मेनली फीमेल को लिटरेट बनाने के लिए तब प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह थे, उन्होंने सितंबर 2009 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। दी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम इज इंप्लीमेंटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। और इसको किसने इंप्लीमेंट किया, इसको इंप्लीमेंट किया DSEL ने, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, है ना, मतलब स्कूली शिक्षा और साक्षरता का जो विभाग है MHRD का, उसने इसको इंप्लीमेंट किया। दी नोडल एजेंसी
ऑफ द स्कीम एट द नेशनल लेवल इज द नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। और इसकी नोडल एजेंसी क्या थी, जो सारा कुछ इसका हिसाब किताब देखती, वो थी नेशनल लिटरेसी मिशन अथॉरिटी। इट वॉज फॉर्मुलेटेड, ये क्यों बनाया गया, ये इसलिए बनाया गया कि ये लक्ष्य रखा गया कि आप एडल्ट वुमेन लिटरेसी को फोकस करेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर 80% साक्षरता के स्तर को प्राप्त कर लेंगे, इसके लिए बनाया गया। एंड दिस स्कीम वॉज ओरिजिनली प्लान्ड टू बी ऑपरेशनल अप टू 3 मार्च 2012 एंड इट वॉज लेटर एक्सटेंडेड अप टू 31 मार्च 2018। और ये माना गया कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, जो 2012 से 2017 चली थी, उस तक, मतलब 12वीं पंचवर्षीय योजना तक ये स्कीम चलेगी, यानी 2017 में इसको खत्म हो जाना था, लेकिन फिर इसको 31 मार्च 2018 तक एक्सटेंड कर दिया गया। इसका मतलब साक्षर भारत अभियान जो चला था वो भी 2018 में खत्म हो चुका है। साक्षर भारत के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, टू इम्पार्ट फंक्शनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी टू नॉन लिटरेट एंड नॉन न्यूमरेट एडल्ट। उन्होंने कहा कि वो एडल्ट, वो वयस्क जो निरक्षर हैं, जो अक्षर ज्ञान नहीं है, जिन अंकों का ज्ञान नहीं, अंकीय गणनाएं नहीं कर सकते, आप उनको फंक्शनल लिटरेसी और न्यूमरेसी प्रोवाइड करेंगे। और टू इनेबल न्यू लिटरेट एडल्ट्स टू कंटिन्यू देयर लर्निंग बियॉन्ड बेसिक लिटरेसी एंड एक्वायर इक्विवेलेंसी टू द फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम। और इसका लक्ष्य था कि जो न्यू लिटरेट है, मतलब अभी अभी जिन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है, वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर पाए बियॉन्ड बेसिक लिटरेसी, यानी कि बेसिक लिटरेसी यानी कि अक्षर ज्ञान के अलावा भी उसके आगे भी वो अपनी लर्निंग को कंटिन्यू कर पाए और फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम के उनको इक्विवेलेंट बना दिया जाए, उसके समकक्ष बना दिया जाए। और सॉरी और टू इम्पार्ट नॉन एंड न्यू लिटरेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू इम्प्रूव देयर अर्निंग एंड लिविंग कंडीशंस। और ये माना गया कि जो नियो लिटरेट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम उनको सिखाया जाएगा, जिससे कि वो उनकी वो कुछ जीविका आजीविका कमा सकें और उनके रहने सहने के स्तर को आप थोड़ा सा बेहतर कर सकें। और टू प्रमोट अ लर्निंग सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू नियो लिटरेट एडल्ट्स फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन। आपको अगर एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट पता है तो आप जानते होंगे कि अब LLL का कंसेप्ट है, मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मतलब कंटिन्यूइंग एजुकेशन, जो शिक्षा है जो सतत चलती रहे। तो ये माना गया साक्षर भारत का ये उद्देश्य था कि हम इस तरीके के अधिगम समाज का निर्माण करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, जिससे कि जो न्यू लिटरेट एडल्ट है हम उसको अवसर प्रदान कर सकें ताकि वो कंटिन्यूइंग एजुकेशन, मतलब अपनी शिक्षा को सतत रख सके। और एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स और लोक शिक्षा केंद्र फॉर सेटअप टू इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब जमीनी स्तर पर ये प्रोग्राम चलाने के लिए कुछ एडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाए गए, जिसको कि लोक शिक्षा केंद्र का नाम दिया गया। इन ईच ग्राम पंचायत विद ए मिनिमम ऑफ 5,000 एटलीस्ट वन AEC हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। हर ग्राम पंचायत में जिसमें 5,000 की जनसंख्या थी, उसमें कम से कम एक एडल्ट एजुकेशन सेंटर बनाया गया। और अर्बन एरियाज में ये काम किसको दिया गया, जन शिक्षण संस्थान, NGO, स्टेट रिसोर्स सेंटर और अदर इंस्टीट्यूशंस को, जिसको कि NLM अथॉरिटी ने आइडेंटिफाई करके बताया। फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, वोकेशनल एजुकेशन एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम आर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साक्षर भारत। और साक्षर भारत के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने के लिए सरकार ने क्या क्या चलाया, 4 प्रोग्राम चलाया, फंक्शनल लिटरेसी प्रोग्राम, बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम, वोकेशनल एजुकेशन और कंटिन्यूइंग एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, और इसके गोल्स क्या क्या थे, अच्छा एडल्ट एजुकेशन के गोल्स जो हैं वो NEP 2020 के आप उसमें संदर्भ में समझिए कि कहा गया है कि वोकेशनल स्किल आप सिखाइए, डिजिटल लिटरेट, मतलब सिर्फ लिटरेट होने से अब काम नहीं करेगा, डिजिटली लिटरेट करिए उनको, पर्सनल डेवलपमेंट उनका करिए, यूनिवर्सल एक्सेस मतलब सब तक पहुंच हो शिक्षा की, एडल्ट को लाइफ लॉन्ग लर्निंग मिल सके, फंक्शनल लिटरेसी यानी कि उनको लिखना पढ़ना 3R जिसको कहते हैं, रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक का ज्ञान हो, और लाइफ लॉन्ग लर्निंग चले, ये सब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने कहा है। और इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि हमको सबको साथ में लेके चलना है, यानी कि किसी को छोड़ना नहीं है, नो चाइल्ड कैन लेफ्ट बिहाइंड, जो NCBL का कंसेप्ट होता है, नो एडल्ट कैन लेफ्ट बिहाइंड, उसमें विमेन लीजिए, डिसएडवांटेज लीजिए, मार्जिनलाइज लीजिए, जो भी मेन स्ट्रीम से दूर है समाज के, उन सबको आपको इंक्लूड करते हुए, समेकित करते हुए शिक्षा प्रदान करनी है। और लास्ट में आप क्या कह सकते हैं कि एडवांसिंग एडल्ट एजुकेशन इन इंडिया रिक्वायर्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दैट एड्रेसेस चैलेंजेस रिलेटेड टू लिटरेसी रेट्स, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, क्वालिटी एंड सोशल बैरियर्स। तो कौन कौन सी चैलेंजेस आती हैं एडल्ट एजुकेशन में, कि हमको लिटरेसी रेट को बढ़ाना है, हमको सब तक उसकी पहुँच करनी है, हमको अफोर्डेबल रखना है, मतलब सबकी पहुँच, मतलब अफोर्डेबल मतलब उसको हासिल कर सकें, महंगा ना पड़े उनको, उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, और सामाजिक जो बैरियर आते हैं कि अभी भी कहीं कहीं हैं, जात पात का भेदभाव है, हम इनके संग नहीं बैठेंगे, उनके संग नहीं खाएंगे,
चाहिए, तो ये वाले बैरियर भी हम क्रॉस करने हैं. इट इज एसेंशियल टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएट इंक्लूसिव पॉलिसीज, इंश्योर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लीवरेज टेक्नोलॉजी टू एनहेंस द रीच एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम्स. तो ये जरूरी है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें, इंक्लूसिव पॉलिसीज बनाएं, फाइनेंशियल सपोर्ट को इंश्योर करें और टेक्नोलॉजी के इनकल्केशन को बढ़ाएं, जिससे कि हम एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम की रीच को बढ़ा सकें, पहुंच बढ़ा सकें और उसकी प्रभावपूर्णता प्रभाविकता को भी बढ़ा सकें. तो ये अब हुआ आपका एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट कम्प्लीट. कौन कौन से बैरियर्स या चैलेंजेस हैं, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, आपका जो NLM चला 1988 में वो भी 2009 में उसको बदल दिया गया साक्षर भारत अभियान से. साक्षर भारत अभियान ये मान के चला गया था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना पे खत्म हो जाएगा, मतलब तब तक हम 80% फीमेल लिटरेसी या ओवरऑल लिटरेसी को प्राप्त कर लेंगे, पर वो हो नहीं पाया. उसको 31 मार्च 2018 तक खत्म कर दिया गया, मतलब एक्सटेंड कर गया, खत्म हो गया वो. फिर ये हो रहा था कि चूंकि ड्राफ्ट आना था NEP 2020 का 2019 में, तो हुआ कि उसमें कुछ ऐसी बात होगी तो उसने सिर्फ गोल्स बताए, अभी ऐसी कोई स्कीम एज सच हिंदुस्तान में एडल्ट एजुकेशन के चल रही है. आप ये भी कह सकते हैं बिकॉज एडल्ट एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग से अब एक्सचेंज हो गया है, इसलिए आपको प्रौढ़ शिक्षा केंद्र इस तरीके का कहीं कोई हेडिंग होर्डिंग नहीं दिखती होगी, पहली बात. दूसरी बात ये भी था कि इसके लिए अलग से कोई बिल्डिंग विल्डिंग नहीं बनाई गई थी, यही सोचा गया था कि आंगनवाड़ी है, इस तरीके की चीज़ें हैं, क्योंकि दिन में तो प्रॉब्लम बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ पे, तो शाम को वहाँ पे एडल्ट एजुकेशन के इस तरीके के सेंटर्स प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज हो सकते हैं. तो इस वक्त चूंकि एडल्ट एजुकेशन का कंसेप्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग से एक्सचेंज है, इसलिए अब हम सिर्फ गोल्स पे ध्यान रखें और ये ध्यान रखें कि हमको जिसको जो लिटरेट नहीं है उसको लिटरेट बनाइए, जो नियो लिटरेट है उसको हम लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए हमको प्रमोट करना है. दैट्स इट. ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन. आई हैव डन फ्रॉम माय साइड.